अखियन संग अखियां लागिया आज जुमे बार बार नैनों में प्यार नित ऐसा तो मौसम आए ना अखियन संग अखियां लागिया आज दीवाने तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझी में कहीं दी देखो छम छम घुंघरू बोले देखो छम छम घुंघरू बोले राधा लाज की मारी तूत डोले देखो छम छम घुंघरू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ किस तरह से मेरा संपर्क कुचिपुड़ी से हुआ। बहुत सालों पहले मेरा जो एक जिसे प्राण के साथ संबंधित जो एक शौक कहूँ तो इस तरह से था, हर नृत्य का कंपोजिशन करना और जो नृत्य मुझे छू जाए पूरा दिन उसके पीछे ही लग जाऊँ, किस तरह से इस नृत्य को किस एंगल से इसे कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या मुद्रा आ सकती है। तो ये जो रचनाएं हैं, तीनों रचनाएं, जो फिल्म है, मुझे फिल्म का शौक था। लोग कहते थे कि फिल्म देखना बुरा है, मैं कहता हूँ हम किस तरह से देखते हैं उसके ऊपर आधारित है। मैंने बहुत कुछ पाया फिल्मों से, बहुत कुछ पाया, और जब मैं संतुष्ट हुआ भीतर से तभी छोड़ दिया। आज मुझे एक भी फिल्म देखने का, पीछे लौटने की इच्छा नहीं। मैं यही संदेश आपको देता हूँ कि इस तरह से जियो कि भूतकाल की इच्छा करे ही नहीं, जो जीवन जी लिया जी ही लिया, इतना परफेक्ट जियो कि पीछे जाने की इच्छा ही ना हो, इतना परफेक्ट जिससे तुम्हारी दर्शन की क्षमता बढ़े, श्रवण की क्षमता बढ़े और अनुभूति की क्षमता बढ़े। ये जो रचनाएं थी ये वही रचनाएं मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ जिसका मेरे साथ हृदय से संबंध था, हृदय से। जैसे कि अखियन संग अखिया, मैं रोया भी हूँ और नृत्य भी किया है, ये रचना मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ। इसका राग है मालकोंस, जो मेरा एक समय अति प्रिय राग था, आज भी इतना ही प्रिय है, लेकिन और रागों के संपर्क में भी मैं आया। मालकोंस एक समय का मेरा अति प्रिय राग, और ये जो रचना है, ये रचना, तीनों रचना मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। मेरा एक ये भी शौक रहा, जैसे कि एक संगीतकार है वो मालकोंस राग बनाता है, जैसे कि एक संगीतकार ने ये बनाया है अखियन संग अखियां लागी, अब जो ये है देखो छम छम घुंघरू, ये भी मालकोंस है, ये रवि का संगीत है। तो मैं देखता था कि रवि जो है मालकोंस को कैसे प्रकट करते हैं, कहाँ सारे गम लेते हैं, कहाँ ताल देते हैं, ताल देते हैं तो किस तरह से देते हैं। दीवाने तेरे नैना जो है इसमें जो मुझे सबसे जो बात छू गई, ठीक से ध्यान से इसे सुनना, ये 3 दिन का प्रयोग है ताकि आप ठीक से इसे देख सको सुन सको। दीवाने तेरे नैना है, इसमें तबला तरंग, एक तबला नहीं, एक साथ 4 से 5 तबला की तरंग ध्वनि इसमें प्रकट की जाती है। एस टी बर्मन का कंपोजिशन है, और मैं एस टी बर्मन के बारे में बताऊँ आपको, एस टी बर्मन भीतर से नृत्यकार थे, ये सारे पुरुष है, देखो जो लिखने वाले हैं पुरुष है, जो मिलन बताते हैं, अखियन संग अखियां लागी का अर्थ है जिससे प्रेम का अनुभव हमने सब ने किया है, जहां आकर्षण प्रकट होता है तो अखियां के साथ अखियां मिलती है और हमारे भीतर क्या होता है इसमें इसकी इसको प्रकट किया गया है। शब्दों को भी सुनना, साहित्य भी बहुत ही ऊंचा, इसकी सारे गम कहां किस तरह से मालकोंस किस तरह से प्रकट किया है प्रथम में, सेकंड जो है इसमें ताल मुझे बहुत छू गया, इसका राग भी अद्भुत छाया नट। अगर छाया नट राग आप ऐसे ही सुनो तो आपको लगे भी नहीं कि छाया नट में से ऐसी नृत्य रचना प्रकट की जा सकती है। मैं एस टी बर्मन का आपको एक बहुत सुंदर एक बात कहूँ, एक बार विजय आनंद उसके घर गए, गाइड का चल रहा था शूटिंग, अब विजय आनंद गए तो वो रूम में बंद थे, सबको लगा आ जाएंगे बाहर, 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ, विजय आनंद और सबका घर जैसा संबंध था, उसे लगा अब दादा ने बहुत, दादा कहते थे, दादा ने बहुत देर लगाई, तो वो खिड़की के ऊपर चढ़े और अंदर देखा
तो जो एसटी बर्मन थे हाथ में गागर लेकर चलते थे, जो आपने देखा होगा वैद्या रहमान का नृत्य है, पिया तो से नैना लागे रे, इसमें गागर का प्रयोग है। तो वो गागर किस तरह से भरनी, चलना गागर लेकर कितनी तरह से चला जाता है, और उसमें कौन सा ताला है, किस तरह से, आप ये रचना सुनो, अद्भुत। ये सारी रचनाएं मैं कहता हूँ, मैं जब ये सारी रचना मैं एक बार सुनता था बचपन में, मुझे ऐसा लगता था ये खाली फिल्म तक ही सीमित है, ये मुझे प्रश्न होता था, आज उसे स्वरूप मिल गया है। मैं कहता हूँ ये फिल्म तक सीमित नहीं, इसका संबंध बहुत कुछ ऊपर है, अनंत से उतरती है ये नृत्य रचनाएं, अनंत में विलीन हो जाती है। आप नृत्य रचना को सुनो भी, देखो भी, तीनों रचना एक के बाद एक ले रहा हूँ। मैं आपको ये भी कहूँ, जो एक समय ऐसा था कि मेरे शरीर की कोई लिमिटेशन ही नहीं था, जिस तरह से चाहूँ जंप लगाऊँ, दौड़ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कोई स्टेप मेरे लिए कुछ नहीं था, ऐसा एक समय शरीर की क्षमता थी। ये जो नृत्य है दीवाने तेरे नैना, एक बार मैंने भूज के टाउन हॉल में प्रकट किया, पूरे घुटनों पर पूरा नृत्य की जो स्पीड है, ऐसे ही खराब नहीं हुए, और मुझे ये जो मेरी लाइफ है बोनस लाइफ ही है। मैं कुछ परमात्मा से नहीं कहता कि तू मेरा घुटन ठीक कर, मैंने इसका उपयोग जो किया है, 150 घुंघरू बांध के मेरे, वो भी है, आप देखोगे इंटरनेट में भी मेरे कुछ नृत्य है जिसमें शिव तांडव में 150-150 घुंघरू बांध के मेरे जंप है हवा में, फिर तो तो एक बार ये प्रयोग मेरे पूरा घुटनों पर, जो था ऑडियंस वे भी आश्चर्यचकित के, पूरा नृत्य मैं बहुत कम बार खड़ा हुआ, फिर से घुटनों पर बैठ के पूरा विरलिंग है, नृत्य की मुद्राएं है, सारी कुछ तो स्वयं प्रशंसा। ये सारे नृत्य जब मैं कंपोज करता था उस वक्त मेरे ध्यान में दो ही नृत्य थे, बहिर्गामी नृत्य जिसका मैं स्वरूप समझने जा रहा था, एक था भरतनाट्यम, एक था कथक। जब ये सारे नृत्य पर मैं काम करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, भारत में अभी कुछ ऐसा है, ये भरतनाट्यम और कथक तक सीमित नहीं। और धीरे 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 सिद्धेंद्र योगी ने मुझे खींच लिया अपने पास। ये तीन नृत्य में सिद्धेंद्र योगी को हार्दिक नमस्कार वंदन प्रणाम करते हुए, जिसने मुझे कुचिपुड़ी का ज्ञान अज्ञात से दिया, ये नृत्य आपके समझ।